उसमें चलिए। RHS में पूरा एक HCl का कंपाउंड लिया जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर आप H और Cl को अलग अलग नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा H एक है और Cl भी कितना एक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, टू चाहिए ना। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पर टू लगाऊं गलत होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए हमारे आगे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आएंगे उसके अंदर भी मैं आपको ये समझाऊंगी किस तरीके से हमें टू कहाँ पर कैसे लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए टू यहाँ पर था, ये एक सिंगल है, सो दैट इज व्हाई ये टू यहाँ पर, अभी तो पूरा एक कंपाउंड है ना। तो अगर मैं ये टू यहाँ पर लगाऊं तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा टू, एंड क्लोरीन भी कितने हो गए हमारे पास टू। सो अब देखिए टू 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 हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसका जो एक अल्टरनेट मेथड है वो मेथड देख लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, सो द अल्टरनेट मेथड इज, इस मेथड को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एबीसी मेथड। ओके एबीसीडी, इस मेथड के अंदर आप देखिए क्या करेंगे, आपके पास LHS RHS है वही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आपके पास है, आप क्या करेंगे इनको सबसे पहले नेमिंग दे दीजिए ए बी एंड सी। ओके अब आपको क्या करना है, एक साइड में जितने भी कंपाउंड्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास है वो आप उनको लिख लीजिए। आपके पास रिएक्शन के अंदर क्या क्या है, देखिए हाइड्रोजन है H, आपके पास और क्या है क्लोरीन है, ओके और कुछ भी नहीं है आपके पास। आप HCl नहीं लिखेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको सिर्फ H और Cl के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास आपका H किस किस के अंदर है, A के अंदर है और C के अंदर है, ओके बीच में ये एरो का निशान है, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे इज इक्वल्स टू, इज इट क्लियर यार। और उसके बाद देखिए क्लोरीन आपका इस किसके अंदर, एक बी के अंदर है और एक सी के अंदर है, हो गया। अब ए के अंदर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं बेटा टू, ये मतलब टू, सी के अंदर हाइड्रोजन कितना है वन वन, क्लोरीन के अंदर सॉरी बी के अंदर क्लोरीन कितना है टू एंड सी के अंदर कितना है वन। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पर ए ऑलवेज हमेशा कोई भी रिएक्शन पुट कर लीजिए आप, हमेशा ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी वन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अब यहाँ पर आप मैथमेटिक्स